नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज एक टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ कि अपनी मूल प्रकृति में कैसा रहा जाए। ध्यान के लिए, ध्यान के अंदर गहनता गहराई प्राप्त करने के लिए जो सबसे बड़ा विघ्न होता है इंसान के जीवन में, वो केवल यही है कि इंसान अपनी मूल प्रकृति में नहीं जी पा रहा। और मूल प्रकृति में ना जी पाने के कारण इंसान सुबह से लेकर रात तक गहन तनाव में जी रहा है, डिप्रेशन हो रहा है उसको। डिप्रेशन के कारण वो दवाइयाँ ले रहा है और दवाइयाँ लेने से उसका शरीर और ख़राब हो जाता है, और शरीर ख़राब होता है तो फिर सारा जीवन ही ख़राब हो जाता है। तो पहली जड़ क्या है? जड़ इसकी यही है कि हम अपनी मूल प्रकृति में नहीं जी पा रहे। इंसान को काम का इतना स्ट्रेस है, उसको ना चाहते हुए भी काम पर जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उसको अपने परिवार के लिए धन कमाने कुछ ना कुछ कर्म उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको भोजन भी नहीं मिलेगा। तो इतना व्यस्त जीवन जो है आज की डेट में इंसान ने अपने चारों तरफ निर्मित कर लिया है, और ये रीज़न है कि इंसान आज सिर्फ एक दुख की चलती फिरती पोटली बनकर रह गया। अब ऐसे दौर के अंदर अगर कोई उस व्यक्ति को कहे कि तू ध्यान कर ले, तो क्या वो ध्यान कर पाएगा? अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करें, वो राजा के बेटे थे, उनके पास अपार धन था, अपार खुशियाँ थी, सब कुछ उसके पिता ने उनके लिए पहले से ही मैनेज करके रखा था। वो इंसान सारी चीज़ को भोगने के बाद जब थक कर टूट कर चूर हो गया, जब उसने जान लिया कि सब कुछ ही व्यर्थ है, तो उठकर भाग गया। एक दिन के बच्चे को छोड़कर, अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़ कर के वो इंसान जंगल में चला गया अपने मन की शांति को प्राप्त करने। एक इंसान ऐसा है जिसके पास एक वक्त का भोजन नहीं है, कोई इंसान ऐसा है जिसके पास एक वक्त का भोजन नहीं जुटा पा रहा, तो क्या वो मन की शांति जुटाने कहाँ जाएगा? उसको तो मन की शांति पता भी नहीं है कि क्या होती है। अगर आज हम एक रिक्शे वाला से बात करें जो सुबह 5 बजे 4 बजे घर से निकल जाता है, वो ये सोचता है कि धूप निकलने से पहले मैं 200-300 रुपये कमा लूँ। और आप सोचते हैं कि क्या उसके जीवन में कभी ध्यान जैसी एक दिव्य घटना उसके जीवन में कभी घट सकेगी? तो सबसे पहली चीज़ क्या है? अपनी मूल प्रकृति में जीना। मूल प्रकृति में जब इंसान नहीं जिएगा तो वो कभी ध्यान को कैसे प्राप्त करेगा? और भारत में जो इतनी गरीबी आ रही है, आज मुझे सब लोग ये बोलते हैं कि सर आपने ध्यान के लिए फीस क्यों लगा रखी है, तो मैं उनको एक ही उत्तर देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी को ये ना कहना पड़े कि भाई मुझे फ्री में करवा दो, मुझे किसी से भीख ना मांगनी पड़े, इसलिए मैंने फीस लगा रखी है। और मैं क्यों किसी से भीख मांगूंगा, मैं क्यों किसी के पास जाऊंगा कि तुम मेरे लिए कुछ करो, जब मैं अपने आप सक्षम हूँ, परमात्मा ने जब मुझे वो सब कुछ दिया है, तो मैं क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करूंगा? जो भी मेरे जीवन में मैंने अर्जित किया वो किस लिए किया? अगर मैंने परमात्मा की तरफ अपने जीवन को लगाया, मैंने 15-16 साल अपने घर बार की परवाह नहीं की, फैमिली की परवाह नहीं की, अपने जीवन की परवाह नहीं की, तो क्या प्राप्त करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया? क्या प्राप्त करने के लिए मैं घंटों घंटों साधना करता रहता था? श्री विद्या की साधना का मतलब क्या है? श्री माँ को अपने जीवन में आकर्षित करना। श्री यानी धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, आनंद, विलास, भोग और अंत में मोक्ष। श्री विद्या के बारे में अगर आप सर्च करोगे, जो श्री विद्या के साधक हैं उन्होंने इस संसार के हर भोग को प्राप्त किया है। तो श्री विद्या के जो साधक है उसे कभी धन की कमी आ नहीं सकती। तो फिर बताओ हम साधना ही क्यों कर रहे हैं? अब कोई माँ बगलामुखी की साधना करता है, माँ बगलामुखी की साधना क्यों की जाती है? अपने दुश्मनों पर विजय पाने के लिए। अगर कोई इंसान अपने दुश्मनों से त्रस्त है तो वो माँ बगलामुखी की साधना करता है, इसलिए करता है ना। और कोई इंसान जो है केवल अपने जीवन में अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहता है, तो वो इंसान उस परम शून्य का, उस महाभोलेनाथ का ध्यान करता है, ठीक है। तो ये जो सारी साधनाएं हैं, जो सनातन धर्म में इतनी सारी साधनाएं कही गई, अगर आप हर एक साधना के बारे में जाने, जैसे कि अप्सरा साधना, अगर आप जाने अप्सरा साधना क्यों की जाती है, आप पढ़ के देखें अप्सरा साधना के बारे में, कौन से मूर्ख लोग होते हैं जो अप्सरा साधना करते हैं और वो ये सोचते हैं कि उससे हमारे को कोई स्त्री सुख मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अप्सरा साधना केवल एक मंत्र है और मंत्र उसकी ऊर्जा प्राप्त करवाता है। ऐसी हजारों साधनाएं हैं सनातन धर्म में, और एक बार साधना का सूत्र समझ आ जाए तो सारी साधनाएं फलीभूत हो जाती हैं। जब तक हमारे पास साधना का सूत्र नहीं है, कोई इंसान कहता है भैया मैंने 15 दिन तो ये साधना की, 20 दिन वो करी, मेरे गुरु जी ने कहा था 21 दिन में पूरी हो जाएगी, पर कुछ हुआ नहीं। कोई कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई भैरव जी की कर रहा है, कोई काली माँ जी की, शमशान में बैठे हैं लोग साधना कर रहे हैं। तो जब तक आपको साधना का सूत्र नहीं पता कि साधना की जा रही है,
तब तक उस साधना का कोई प्रभाव नहीं होने वाला, कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। मूल प्रकृति में जीना यानी कि जो आप हो, अगर आप जल के जीव हो तो आपको जल में रहना है। आप गर्म इलाके में रह के आपको अच्छा लगता है तो आपको गर्म इलाके में रहना है। आपको ठंडे इलाकों में रहना अच्छा लगता है तो आप ठंडे इलाकों में रहोगे। अपनी मूल प्रकृति में जीना, अपना भोजन, हम लोग उपवास करते हैं 20-20, 40-40 दिन, हमको पता है हमारे को शरीर फिट रखना है तो हमारे को उपवास करना पड़ता है, पर शरीर अपनी प्रकृति फिर भी मांगेगा, शरीर अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलेगा। कुछ दिन आप वैसा चलोगे, फिर कुछ दिन के बाद पता चलेगा सब वहीं का वहीं बिखरा पड़ा है और फिर वैसे का वैसा ही सब कुछ चल रहा है। तो मूल प्रकृति कहाँ से सेट हो रही है? मूल प्रकृति आपके अचेतन मन से सेट हो रही है। अचेतन मन पे जब तक आप कार्य नहीं करोगे, और इतना ईजी है किसी भी आदत को तोड़ना, सिर्फ एक छोटा सा संकल्प होता है। और अचेतन मन को जब आप नहीं समझोगे, जब तक वो चीज़ आपके अचेतन मन में नहीं गई, तब तक आप कोई भी बुराई नहीं छोड़ सकते। आदत कोई भी हो इंसान की, वो छूटेगी तब जब इंसान ये सोच लेगा कि मुझे ये सच में छोड़नी है। अब कोई ध्यानी व्यक्ति है, वो ध्यान में बैठा है और उसकी कोई इच्छा उसको बार बार परेशान कर रही है, तो जब वो ध्यान में बैठेगा तो बार बार वही इच्छा उसके सामने आएगी, तो वो ध्यान में कभी गहराई नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो इच्छा उसके रास्ते में एक रोड़ा बन जाएगी। तो वो जो इच्छा होगी उसके मन में वही घूमती रहेगी कि मैंने ये चीज अभी तक नहीं की है। वो ध्यान में करेगा, कुछ मंत्र की ऊर्जा उसे प्राप्त होगी और वो जो है अपनी उस इच्छा को प्राप्त करने में सारी ऊर्जा को खर्च कर देगा। फिर वो इच्छा बार बार आएगी, बार बार पहाड़ बन के उसके रास्ते में खड़ी हो जाएगी और साधक की जो यात्रा है वो बीच में ही वहीं ड्रॉप हो जाती है, वो आगे नहीं जा पाता। निर्वाण के लिए तो आपको हर एक इच्छा का पूर्ण होना जरूरी है। जब तक संसार की इतनी सी भी इच्छा आपकी रह जाए, कोई अगर आपको कहता है कि इच्छाओं को त्याग दो, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इच्छाएं पूरी किए बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो दुनिया ने आपको अध्यात्म पढ़ाया है, वो पता नहीं मुझे क्या पढ़ाया है, पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे कोई भी अगर चैलेंज करना चाहे, मोस्ट वेलकम, वो आ सकता है, उसका मेरा दिल से स्वागत है। और मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या धारणा बनाना चाहता है, वो उसका अपना निजी मन है। यहाँ पर कोई यूट्यूब पे मुझे कोई गालियाँ लिखता है, तो कोई फूल झाड़ता है, तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल अपनी प्रकृति के अनुसार जो चीज़ मैं सिर्फ अपने साधकों की मदद करना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से ड्रॉप करके इस दुनिया से जाना चाहता हूँ, वो मैं करके ही जाऊँगा, वो मेरा कार्य नहीं रुक पाएगा। ठीक है, तो ये कितने भी आप जो कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो आप लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, कोई चीज़ समझना चाहते हैं, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम आप हमें सजेशंस भेज सकते हैं कि भैया आप इस टॉपिक पर वीडियो डालो। और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जो मुझे इस तरह के अपने प्रश्नों को भेजते हैं और मैं उस पर उनके सारे वीडियोस बना के उनकी प्रॉब्लम्स को हल भी कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो एटलीस्ट कृतज्ञता से उस बात को स्वीकार तो करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं भारत के अंदर जो केवल खुद तो बहुत बड़े नाकामयाब हैं अपने जीवन के अंदर, और कोई व्यक्ति अगर इस देश के लिए कुछ अच्छा कार्य भी कर रहा है तो उसके लिए भी आकर के अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आते, वो पॉलिटिक्स बाजी जो है कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ऐसी प्रकृति में जीना छोड़ दो। सबसे पहले आपको पता है विदेशों के अंदर लोग इतने कामयाब क्यों हैं? वो देश हमसे हजारों गुना ऊपर कैसे जा रहे हैं? कभी आपने उनके जीने का तरीका देखा? कभी सोच कर देखो कि वहां पर एक छोटा सा लड़का जो आज 12-13 साल की उम्र से आता है और पता चलता है कि 22-23 साल की उम्र में वो ओलंपिक्स में मेडल जीत के आ रहा है, उसका रीजन पता है क्या आपको? आपको क्या लगता है कि वहां की गवर्नमेंट उनको बहुत सारी फैसिलिटीज देती है? नहीं, वहां की पब्लिक उनके साथ खड़ी होती है। वहां की जो जनता, जन समुदाय का जो सहयोग होता है किसी कार्य को करने के लिए, वो बहुत बड़ा होता है। अपने जो उनके जो खिलाड़ी होते हैं, उनके जो सिंगर्स होते हैं, उनके जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके एक्टर्स होते हैं, जिस भी फील्ड में अगर आप चुनोगे, वहां पर आपको प्रोत्साहन करने वाला एक बचपन में ही एक बच्चे के जहन के अंदर एक चीज डाल दी जाती है कि अगर आपको कोई व्यक्ति लगता है कि इसके पास टैलेंट है, किसी भी चीज का उसके पास ज्ञान है, समझ है, अनुभव है, तो आप उसको प्रोत्साहन नहीं करना चाहते अपनी पर्सनल किसी इश्यूज की वजह से, भले ही ना करो, पर आप कभी भी उसकी टांग मत खींचो। ये वहां पर स्कूलों में सिखाई जाती हैं बातें। पहली बात है, वहां पर यही सिखाया जाता है कि आपको सामने वाले व्यक्तियों का, अपने देश के व्यक्ति का आपको प्रोत्साहन करना है, ताकि उसका हौसला बढ़ाना है कि वो कोई कार्य देश के लिए, दुनिया के लिए करना चाह रहा है, आप उसकी कुछ मदद करो, उसके रास्ते में रोड़े नाटक। और आप लोग ना सिर्फ अपने में तो आप जड़ मान के बैठे ही हो, आपने तो जान लिया कि ये तो मुझे मिल ही नहीं सकता। और जिसके अंदर
कोहिनूर हीरा बनने की संभावना है, आप उसका भी मार्ग जो है रोकने की कोशिश करते हो और ये महामूर्खता है। और इंडिया में आप ये मत सोचो कि कोई कितना बड़ा ब्रांड गुरु है तो वो आपको ज्यादा बड़ा ज्ञान दे सकता है, ये सबसे बड़ा भूल है। और ना कभी किसी के कपड़ों पे जाना, ना कभी किसी की ड्रेस पे जाना, ना कभी किसी के खान पान पे जाना। ना आप खान पीन से किसी को संत को पहचान सकते हो, ना आप उसके कपड़ों से पहचान सकते हो, ना उसके रहन सहन से पहचान सकते हो, ना ही आप उसकी भाषा शैली से उसको पहचान सकते हो। पहचान सकते हो तो केवल उसके ज्ञान से पहचान सकते हो, वो जो आपको दे सकता है सिर्फ उसी से पहचान सकते हो। और जब तक आपने जो चीज मुझसे ली नहीं, हाउ कैन यू गिव योर कंप्लीट आइडिया, योर कंप्लीट स्टेटमेंट अबाउट व्हाट आई एम टीचिंग, हाउ कैन यू गिव? जब आप मुझसे मिले नहीं, आपने बात नहीं करी, आपने नीचे आकर एक कमेंट में लिख दिया कि ये तो झूठ बोल रहा है। किस चीज का झूठ बोलता हूं? आप मेरे से फोन करो ना, नीचे मेरा नंबर चलता है, मुझे फोन करके एक बार डिस्कस तो करो, सर मैंने ये कमेंट किया है, आप क्या इसको एक्सप्लेन करोगे? मैं वीडियो कॉल के ऊपर आपसे कॉन्फ्रेंसिंग करके उस बात को आपकी प्रमाणित करूंगा। मैं तब आपको सच्चा इंसान मानूंगा जब आप मेरे से आगे डिबेट करो। अगर आपको किसी भी मेरे वीडियो के ऊपर कोई शंका है, जो बात भी मैंने शास्त्र सम्मत नहीं कही और विद अपने प्रमाण के साथ नहीं कही, तो आपका स्वागत है, आप मेरे चैनल पर आओ। आप चैनल पर नहीं आ सकते, मैं दूर रहता हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो। जूम पे हम लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपके साथ मैं वीडियो कॉल पे पूरी आपकी बात रिकॉर्ड करूंगा और मैं अपने चैनल पे उसी दिन पोस्ट करूंगा। कहीं पर भी आपको लगता है कि 1% भी जहां आपका डाउट हो किसी भी प्रश्न के ऊपर, मैं खुले दिल से आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। इसलिए गलत किसी को मत गाइड करो। बहुत से लोग हैं जो लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण से कुछ नहीं होता, बहुत से लोगों ने, मैं आज उनके लिए ये वीडियो उनको जवाब देना चाहता हूं। एटलीस्ट शायद अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उनको मेरा उत्तर मिल जाएगा। जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है वो लोग आज मरने के कगार पे बैठे हैं, उनसे उनका दर्द आप जान नहीं सकते। जिस बड़े बड़े गुरुओं से उन्होंने ध्यान सीखा है ना, मुझे कल भी एक व्यक्ति का फोन आया, संजीव मलिक जी से उन्होंने साधना की और वो व्यक्ति जो है आज इतने हाईली डिप्रेशन के अंदर है। उन्होंने संजीव मलिक जी को फोन किया और उन्होंने उसको ये भी कहा कि हम आपको 3 लोग जो है बैठ करके हीलिंग करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। फिर उन्होंने उनको और पेमेंट पे की और उसके बाद उनको हीलिंग करी और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। मैंने उस व्यक्ति को कहा कि भाई तेरा जो इलाज है वो हीलिंग नहीं है, हीलिंग करने से तेरे अंदर ये ऊर्जा और बढ़ रही है, बजाय इसको रिलीज करना था और उन्होंने हीलिंग करके आपको और ऊर्जान्वित कर दिया। अब आपकी एनर्जी तो पहले आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह से डिसबैलेंस हो रखा है, उसके अंदर आपको न जाने कितने प्रकार के विचार, कितनी तरह की खिचड़ी ऑलरेडी चल रही है, आपके चक्र सारे ब्लॉक पड़े हैं और आपको हीलिंग कर दी जा रही है, आपको और ऊर्जान्वित किया जा रहा है, तो आपके सर में और भयंकर पेन होगी। तो ऐसी चीजें, जब उन्होंने उनको फिर कॉल किया तो उन्होंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। धुलिया से हैं हमारे मित्र, मैं सतीश नाम है उनका, मैं उनका नंबर भी दे सकता हूं, आप उनसे बात कर सकते हो कि मैं अगर अपनी बात कोई कर रहा हूं को प्रमाण के साथ नहीं कर रहा तो बताओ। धुलिया महाराष्ट्र में पड़ता है, वो मित्र हमारे आज आए हैं और हमारे पास उन्होंने कल मेरे से ज्वाइनिंग करी है और उन्होंने बोला है कि भैया मेरे को आप पर विश्वास है कि आप मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। और मैंने उनको 100% गारंटी दिया है कि मैं आपको 60 डेज के अंदर ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से सॉर्ट आउट करके दूंगा। दोस्तों, जो भी मैं बात करता हूं, केवल मेरा मकसद एक ही है कि मैं लोगों का कुछ भला कर सकूं। जो साधना से भटके हुए हैं उनको एटलीस्ट अपने जीवन का मार्ग मिल जाए, केवल इतना ही मेरा उद्देश्य है। और अपनी मूल प्रकृति में जब तक कोई इंसान नहीं जिएगा तब तक वो कभी भी अपने इस ऊर्जा को रिलीज नहीं कर सकता। जितने भी आप अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, अपने जो काम वासना को और ये सारी चीजों का जो आप अपने भीतर दमन करके बैठे हो, ये दमन है इस सब का कारण। उसमें कोई हीलिंग आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, कोई मंत्र जाप आपको नहीं निकाल सकता, कुछ भी आपके लिए वहां पर कुछ नहीं कर सकता। केवल और केवल प्रेम की ऊर्जा ही, केवल उस परमात्मा की कृपा ही आपको वहां से बाहर निकाल सकती है। और जब तक आप उस दिव्यता से जुड़ोगे नहीं तब तक आपका ये मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता, तब तक आपका ये मार्ग नहीं खुल सकता। आप जिस मर्जी बड़े से बड़े आश्रम में फोन कर लो, बड़े से बड़े गुरु को कॉल कर लो, वो आपकी इस चीज में कोई मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने, जब मेरे साथ ये हुआ था तो मैंने इंडिया का एक गुरु नहीं छोड़ा था, हर गुरु को मैंने कॉल की, उनके आश्रम में फोन किया। मैं कहा मैं 10 लाख देने को तैयार हूँ, मैं 20 लाख देने को तैयार हूँ, मुझे इस चीज से मुक्त करो, मेरे को ये दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे इससे बाहर निकालो। पर वहां से मुझे पता क्या उत्तर मिलता था कि सर आप अभी ना थोड़ा और ध्यान करें, आपका ये और जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे सभी ने यही कहा।
सोचो उस वक्त मेरे मैं जिस दर्द से गुजर रहा था और मुझे उत्तर नहीं दिए जा रहे थे, उत्तर की बजाय मुझे न जाने और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चिपकाई जा रही थी, और वही आज आप लोगों के साथ हो रहा है। तो इसलिए जो भी आप साधना करते हो, अपने पहले असली गुरु को सर्च करो। उसके लिए साधना प्रारंभ करने से पहले, स्कूल की हम शिक्षा प्रारंभ करने से पहले किसी स्कूल के बारे में कितनी तरह सोचते हैं, उसके बाद जाकर के हम उसमें अपने बच्चे का एडमिशन करते हैं। और यहाँ तो आपने अपनी आत्मा सौंपनी है किसी को, तो बिना सोचे समझे कैसे करोगे? तो भाई अपना ध्यान लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, दिल की भी सुनो, दिमाग की भी सुनो। बिल्कुल बेवकूफों की तरह कोई भी बात को मान ना लो। और यहाँ पर आगे कुछ मेरे चैनलों पे कमेंट करने से क्या प्राप्ति है आपको? कोई प्राप्ति नहीं है। अगर सच में कुछ डाउट है, आपके गुरुजी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आपको कुंडलनी साधना कराई है, और अच्छी हुई होगी आपकी साधना, क्योंकि 100 में से 70% लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आती। दिक्कत केवल 3% को आती है, 30% को। और जो 30% है उनका कसूर क्या है? तो उनको तो आपके गुरु नहीं मिले ना, उन्होंने तो अपने आप यूट्यूब से देख के साधना कर ली थी और इस वजह से उनके साथ ये प्रॉब्लम हो गया। अब जो हो गया है तो वो कैसे ठीक होगा? अब उनको आपके भी गुरु ठीक नहीं कर पा रहे। मैंने उनको आपके जो जो सहयोगी मेरे यहाँ पे आते हैं, जो बोलते हैं मेरे यहाँ पर, कुछ ब्रह्म कुमारी वाले आते हैं जो सिद्धि विद्धि करवा देते हैं, उनको भी मैंने समझाया है। उनका भी मैंने बताया था कि चलो आप वहां जाकर भी देख लो। उन्होंने वहां उनका 7 डेज वाला सब कुछ करके देखा उन लोगों ने, पर जब नहीं कुछ प्राप्ति हुई तब वो मेरे पास आए। और ऐसे ऐसे केस है, सिर्फ 2 घंटे में ठीक होकर गए, सिर्फ 2 घंटे में। और ऐसे भी हैं जो 3 महीने से ठीक होने का नाम नहीं ले पा रहे। ठीक है, नमः शिवाय।